हाय, मेरा नाम प्रणव है और आज हम देखेंगे राजस्थान का खूबसूरत शहर सवाई माधोपुर और उस शहर में बसा हुआ रणथंभौर नेशनल पार्क और राजस्थान का सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट रणथंभौर फोर्ट। ये वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ जगहों पर आवाज़ अस्पष्ट भी है तो इसके लिए माफ़ी ज़रूर करना और ये वीडियो प्लीज आखिर तक जरूर देखना। सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है सर। फोर्ट का निर्माण 5th सेंचुरी में महाराजा जयंत्र सिंह चौहान ने किया था। पूरी फोर्ट का गेट है हाथी पोल गेट। इसमें यह हेड देख रहे हो आप, रणथंभौर के तीन कमांडो थे, रणमल, रणतिपाल, सामंत, भोजराज। रणथंभौर फोर्ट का सेनापति था रणमल महावत, एलिफेंट ड्राइवर। और इसी ने रणथंभौर फोर्ट में बहुत बड़ी गद्दारी की थी। रणथंभौर फोर्ट खत्म हुआ वो इसी की वजह से। ये रणथंभौर फोर्ट का सबसे बड़ा गद्दार है गद्दार रणमल महावत। और आखिरी में राजा हमीर देव चौहान ने 1301 10 जुलाई सोमवार को इसका हेड इससे ऊपर काट दिया था। इसकी गद्दारी इस जैसे को मिल चुकी है। इसके आजू बाजू है ये एलिफेंट के स्टेचू है कि एलिफेंट ड्राइवर था उनकी हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको उसने गद्दारी क्या की थी। रणथंभौर फोर्ट साथ से है रणथंभौर फोर्ट एक अजय दुर्गेसर नो विक्ट्री फोर्ट है। कोई भी राजा ने रणथंभौर फोर्ट को आर्मी के बल से नहीं जीता था। ये फोर्ट एक सिंगल पिलर के ऊपर बना हुआ फोर्ट है। एक पिलर देख रहे हो आप, 7.5 किलोमीटर की एक सिंगल पहाड़ी के ऊपर बना हुआ फोर्ट है जिससे कोई दूसरी पहाड़ी टच नहीं। रणथंभौर इसका नाम कि हमीर ने क्रोध में आकर अपना हेड भगवान शिव के सामने सुन काट दिया। रणथंभौर लेकर हमीर देव चौहान से भगवान शिव शिव पर कटोर के बोले, मैं आपकी सारी फैमिली को आपकी जीवन दान देता हूँ, आपकी हार नहीं जीत हुई है। हमीर देव चौहान ही कटेगा जो हमीर हट के नाम से फेमस फोर्ट है। हमीर देव चौहान ने भगवान शिव के सामने अपना हेड काटा तो कर्ण को जन्म दिया। बोलते हैं हमीर देव चौहान ने 2-3 बार चौपट किया, आखिर बार जब उन्होंने काटा अपना हेड तो भगवान शिव के सामने क्रोध में आकर एक दोहा बोला, उन्होंने हेड स्वीकार नहीं किया। वो दोहा है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह होता लयन होता है, उसकी लाइफ में एक ही बार गमन करना है, एक ही बार गमन करना है। जैसे केले का पेड़ होता कदली फल एक बार, केले के पेड़ एक ही बार फल लगता है, दूसरे उसको काट के। त्रिया तेल हमीर हट हिंदू धर्म में लेडी जो होती है उनकी शादी के टाइम पे तेल और हड्डी एक ही बार चढ़ाई जाती है। वो और इसे हमीर हट चौहान वंश के राजा हमीर देव चौहान के ऐसे राजा थे जो सुपर किया। हमीर हट के बाद रणथंभौर फोर्ट 1301 10 जुलाई सोमवार को चुका था। हमीर अलाउद्दीन खिलजी 1301 11 जुलाई को रणथंभौर 200 वर्षों तक रणथंभौर फोर्ट के अंदर राज किया। रणथंभौर फोर्ट में अभी 25 हिंदू टेम्पल, 2 मुस्लिम दरगाह और 1 जैन टेम्पल भी जयपुर दरबार था। माधो सिंह, मान सिंह, भवानी सिंह फोर्ट हमीर हट के नाम से फेमस फोर्ट है। अजय दुर्ग कोई भी राजा ने अभी भी फोर्ट के अंदर 25 हिंदू टेम्पल, 2 मुस्लिम दरगाह, 1 जैन टेम्पल। पहाड़ों का नाम, एक का नाम रण है, एक का नाम भोर है और एक का नाम थम। अच्छा, तीनों से लिए गए हैं रणथंभौर। जैसे अभी आप लोग खड़े हैं, ये फोर्ट में भी एंट्री नहीं है आप लोग। फोर्ट एक सिंगल पिलर के ऊपर है इसलिए फोर्ट के नीचे दीप खाइए। ये है भोर कि रणथंभौर फोर्ट का एक ही सोल्जर नीचे अगर दुश्मन को मार सकता है, नीचे की लाखों आर्मी ऊपर कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, इस मेन एंट्रेंस पैलेस का एक ही मेन एंट्रेंस गेट है, ये 9 लाख हाथी बोर्ड। इसके अलावा कोई 7.5 किलोमीटर की पहाड़ी पर कोई दूसरा गेट भी नहीं। रणथंभौर तीन पहाड़ी से यहाँ का नाम ले गया। काफी सारी गोलमेज कंपाउंड से रणथंभौर फोर्ट का एक ही सोल्जर नीचे अगर दुश्मन को मार सकता है। रणथंभौर थी नहीं, गरम तेल
ये कब बनाया कब है सर जी? फोर्ट पांचवी सदी में रेडी है। रणथंभौर फोर्ट को पांचवी सदी में महाराजा जयत्र सिंह चौहान ने बनाया था। इनके बाद में यहाँ पर कई प्रतापी राजा आए। रणथंभौर फोर्ट हमीर देव चौहान के नाम से फेमस रहा। चौहान डायनेस्टी के लास्ट किंग थे हमीर देव चौहान। अच्छा, इनको रणथंभौर फोर्ट में 1282 में इनका राज सिंहासन मिल चुका था। रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान का राज सिंहासन रणथंभौर के राजा बने। उनका एक प्रण था, एक हुकुम था उनका कि शरणागत की रक्षा करना, किसी को शेल्टर देना हमारा पहला कर्तव्य है। ये चौहान वंश का एक प्रण था। उसी टाइम में उनके बाद का दूर दूर तक मालूम चल चुका था। दिल्ली के बादशाह थे अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी का इस बात का मालूम चला कि हमीर का ये प्रण है शरणागत की रक्षा करना, उनको शेल्टर देना उनका पहला कर्तव्य है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था सरदार मोहम्मद शाह, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने किसी विरोधी कारण उसको दिल्ली से निकाल दिया और ऐलान करवा दिया, जो भी मेरे सेनापति मोहम्मद शाह को शरण देता है मैं उससे लगातार युद्ध करता हूँ। तो अलाउद्दीन के आर्मी बल को देखकर कोई भी देश के राजा ने मोहम्मद शाह को शरण नहीं दिया और सरदार मोहम्मद शाह घूमता वापस दिल्ली चला गया। देश में राजस्थान में चारों ओर घूमने कोई भी राजा ने शरण नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी चिमना बेगम, जिनके साथ उनका अनेकित संबंध था और इसी कारण वो मोहम्मद शाह को देश से निकाल दिए। चिमना बेगम ने बताया जहाँ पर भी चौहान वंश का राज चल रहा है हमीर देव चौहान का प्रण है शरणागत की रक्षा करना। दिल्ली से नजदीक रणथंभौर है, रणथंभौर में आकर मोहम्मद शाह को शरण दी। इस बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का मालूम चला कि हमारे पुराने दुश्मन हमीर देव चौहान ने हमारे साथ में वो किया है, सेनापति को शरण दी है। इसको लेकर रणथंभौर में संधि का पैगाम भेजे दोस्ती का, आप हमसे दोस्ती कर लीजिए, हमारे दुश्मन मोहम्मद शाह को हमको वापस दे। चौहान राजा ने मना कर दिया, हमारे शरण में आए हुए जीव जंतु वापस नहीं देते, आप युद्ध जीतते हैं अपने सेनापति की वजह से। दूसरा पैगाम रणथंभौर फोर्ट में युद्ध का आया और युद्ध के पैगाम को अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान ने स्वीकार किया। इसको देखकर अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही क्रोधित हुआ और आर्मी के बल से जीतने के चक्कर में रणथंभौर फोर्ट को 1299 में चारों ओर से, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी आर्मी के बल से रणथंभौर फोर्ट की जो भोर खाई दिखाई है ना आपको निचली खाई है सारे सेवरन किलोमीटर के नीचे है। इसी खाई के अंदर रणथंभौर फोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया का सबसे लंबा पड़ाव डाला था जी। वो एक महीने 17 दिन तक अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर फोर्ट की भोर खाई के अंदर घूमता रहा। फोर्ट के एक पैलेस स्तंभ पर नहीं जा पहुंचा, यहाँ से आता वापस दिल्ली चला गया कि आर्मी के बल से हम रणथंभौर फोर्ट को नहीं जीत पाएंगे। हमारे चाचा जलालुद्दीन जी रणथंभौर फोर्ट को आर्मी के बल से रणथंभौर फोर्ट बना हुआ है कि आर्मी के बल से कोई नहीं जीत पाता। तीन दुर्गों से मिलकर रणथंभौर दुर्ग बना, जल दुर्ग, थम दुर्ग और वन दुर्ग। रणथंभौर फोर्ट सारा अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फोर्ट में चारों ओर आपको ऊपर से दिखाऊंगा सारा नेशनल पार्क का फोर्ट, आपको चारों ओर फोर्ट के पानी नजर आएगा। जो राजबाग लेक है, पदम लेक है, मलिक लेक है, उनका पानी फोर्ट के चारों ओर फैला है, उससे फोर्ट बनता है सर जल दुर्ग, उसमें दुश्मन आर्मी लंका नहीं आ सकता। फिर है थम दुर्ग। रणथंभौर फोर्ट एक सिंगल पिलर से है, इसलिए एक इसलिए तीन दुर्गों से मिलकर रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। रणथंभौर फोर्ट में उसी टाइम पे रणथंभौर फोर्ट में हमीर देव चौहान को इस बात का मालूम हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी युद्ध करने के तैयार है। अलाउद्दीन खिलजी ने वापस दिल्ली चला गया और दिल्ली जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सोच लिया कि कूटनीति से रणथंभौर फोर्ट को हम जीत सकते हैं। उसी को लेकर रणथंभौर फोर्ट से एक संधि की मीटिंग बुलाई गई। उसमें राजा हमीर देव चौहान नहीं गए बल्कि यहाँ के तीनों कमांडो रणमल, रंतीपाल, सामंत, भोजराज तीनों को दिल्ली भेज दिया। ये मेन सेनापति है रणमल, तीनों को दिल्ली में लालच मिल चुका था, आप हमारी कैसे भी करके रणथंभौर फोर्ट पर विजय प्राप्त करवा दीजिए, हम आपको रणथंभौर फोर्ट का किंग बना देंगे। रणथंभौर का सेनापति रणमल महोत्, रंतीपाल, सामंत, भोजराज तीनों रणथंभौर के लिए गद्दार हो चुके थे। तीनों जितने गुप्तर टनल से जितने रहते हैं सबको अलाउद्दीन खिलजी ने सप्लाई करवा दिया और मुस्लिम आर्मी फोर्ट के अंदर लाना शुरू कर दिया। लेकिन हमीर के साथ धोखाधड़ी चल रही थी, लेकिन यहाँ के राजा हमीर देव चौहान को ये मालूम नहीं था कि हमारे सेनापति गद्दारी कर रहे हैं। राजा हमीर देव चौहान की एक बेटी थी राजकुमारी पद्मावती, मॉनमेरिट थी, अपने सेनापति रणमल महोत् के प्रति विश्वास करते थे। इसको लेकर रणमल महोत् को यह हमीर देव चौहान को इस बात का मालूम नहीं था कि हमारे सेनापति हमारे साथ करता है। इसे रणथंभौर आए और 1301 में अलाउद्दीन ने दोबारा रणथंभौर को अटैक किया। उसमें राजा समझ चुके थे अलाउद्दीन हमीर देव चौहान के अलाउद्दीन खिलजी आर्मी के बल से नहीं कूटनीति से फोर्ट को जीत रहा है और उसी कूटनीति में हमीर अपनी रानियों से बोल कर गए हमारा विक्ट्री फ्लैग ऑरेंज फ्लैग होगा और आपका अलाउद्दीन खिलजी का विक्ट्री फ्लैग ब्लैक फ्लैग। फ्लैग फ्लैग के देखते ही आपको फोर्ट के अंदर जोहर कर लेना है, जो अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाएगी और आपका बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होगा, कई तरह का प्रॉब्लम पहुंचाएगा।
इसी में गोलकर राजा चले गए थे। दो दिन तक रणथंभौर फोर्ट में लगातार युद्ध चला। आखिर में 1301 10 जुलाई सोमवार को रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान की जीत हो चुकी। और जीतने के बावजूद हमीर देव चौहान ने अपने सेनापति श्री रणमल महोत्स से बोला, रणथंभौर फोर्ट जाइए, ऑरेंज फ्लैग पर बैटल फील्ड से ऑरेंज लेकर आया और फोर्ट की इसी गेट हाथी कोल्ड गेट पर आकर ब्लैक फ्लैग फोर्ट कहने लगाना शुरू किया। और ब्लैक फ्लैग को देखकर रणथंभौर की महारानी हीरा देवी और रंगा देवी को मालूम था कि हमारा ब्लैक फ्लैग लहर चुका है। राजा का हुक्म है कि ब्लैक फ्लैग के देखते हुए रानी के सहित 13,000 औरतों ने रणथंभौर फोर्ट में जोर किया। रणथंभौर की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी पद्मावती, जो अनमेर थी, जो हर नहीं कर सकती राजस्थान में ये जौहर तो कई जगह था, लेकिन जल जौहर है वो रणथंभौर का फेमस राजकुमार पद्मावती है। तो बोलते हैं 1301 10 जुलाई सोमवार को रणथंभौर का चौहान वंश खत्म हो चुका। इस बात को राजा हमीर देव चौहान को मालूम चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है, गद्दारी की गई है। तो बैटल फील्ड से भागकर किसी गेट हाथी टोल गेट पर आ पहुंचा। यहाँ से उनको अपनी रानी को बचाने के लिए फोर्ट के अंदर जाना था। और इसी गेट पर यही सेनापति रणमल महोत्सव उनसे युद्ध करने के लिए पीछे आया, उनसे युद्ध करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की। तो हमीर देव चौहान ने क्रोध में आकर इसी गद्दार का है इसी गेट पर ये है गद्दार रणमल महोत्सव हमीर फोर्ट के अंदर चले गए थे। जाने से पहले उनका सारा चौहान वंश खत्म हो चुका था, जोहर हो चुका था। जो बोलता है कि रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान एक हट्टी राजा थे। आज भी रणथंभौर फोर्ट हमीर हट के नाम से फेमस है। हमीर देव चौहान ने फोर्ट के अंदर जाने देकर देखा तो सब कुछ खत्म हो गया। बोलते हैं कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं हमीर देव चौहान, भगवान शिव उनसे आमने सामने बात करते हैं। भगवान शिव टेम्पल में गए, मैंने युद्ध तो जीता है लेकिन कोई भी मेरे पास में ऐसी चीज नहीं, भगवान मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं कौन से दक्षिण भेंट करूँ। चौहान राजा का रहता था कि कोई भी युद्ध जीतते हैं भगवान शिव अनु को दक्षिण भेंट करते हैं, शिव भगवान शिव कुछ करते हैं, मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म हो चुका है। जब बोलते हैं और वो है सत पोल, इधर सूरज पोल है और इधर है दिल्ली गेट। सर ये दिल्ली की दुश्मनी लिए था अलाउद्दीन खिलजी लिए तो तैनात थे। सत पोल गेट है महाराजा हमीर देव चौहान के लिए एंडिंग के लिए गेट का इस्तेमाल करते हैं। और सूरज पोल गेट फोर्ट में चारों ओर टोपी तैनात है। फोर्ट में 5 लेक है, बड़े लेक, रानी तालाब, पद्मावती तालाब जिसमें राजकुमारी ने जल जरूर किया। इधर सुख सागर है, जंगली तालाब है, बड़ा सागर है, पानी सूख जाएगी क्या नहीं तो पानी रहता ही रहता है। इनों के अंदर भी आग भी अगर रहता है, अगर है 10 बस्ती जगह पर तो नहीं रह सकते आग की चारों ओर पानी। हम 10 फुट 11 घंटा करो तो आपको देख लेंगे तो आपको पानी मिल जाएगा। सर 10 फुट कपड़ा भी चाहिए पानी आ जाएगा पुराने दौरान रणथंभौर फोर्ट 7.5 किलोमीटर अंदर फैला हुआ फोर्ट है। फोर्ट की जो प्रजा का एरिया था 398 स्क्वायर किलोमीटर था। जो सारा फॉरेस्ट का भी वीवीआईपी जोन बना लिया गया है। रणथंभौर फोर्ट का एरिया है, रणथंभौर फोर्ट का ये लेक था, पदम लेक, राजबाग लेक और मलिक लेक, ये तीनों लेक वीवीआईपी एरिया है। अभी फॉरेस्ट है 2 और 3 जोन का एरिया है इसके बाद। यहाँ पर लेक के ऊपर एक ट्री देख रहे हो जरा, क्या वन एंड ट्री, ये फर्स्ट कोलकाता में है बोटनिकल गार्डन में और दूसरा रणथंभौर में है। इसके नीचे एक वीआईपी गेस्ट हाउस है, पहले महाराजा हमीर देव चौहान की गुरु थी जोगी बाबा, इनके नाम से बनाया है जोगी महल। और फॉरेस्ट वीआईपी गेस्ट हाउस में लेगा, इसके नीचे है ग्रेट वीआईपी। और ये छतरी है, ये वॉच टावर है कि दिल्ली तक के दुश्मन भी यहाँ से ही कवर ले लिया थी मछली के द्वारा। ये दिन में फ्लैक्स है, नाइट में मसाज, सारी पहाड़ी पर वॉच टावर है। देखो सही जगह बने अंधेरी गेट, वेलकम गेट, घूम भुलैया गेट, कहीं नाम देंगे ये सब। जो विंडो है ये सब वेलकम विंडो है, ये सब वेलकम विंडो है कि जब भी राजा विजेता होकर आते हैं उनकी रानी ऊपर से फूल बरसा कर उनका वेलकम करते हैं। इस गेट का नाम वेलकम गेट है। इसके अंदर है घूम भुलैया गेट और अंधेरी गेट। ये सभी गेटों को 90 डिग्री बनाया हुआ गेट है। ये कैसा गेट है, सब ऐसे वेलकम गेट।
लेकिन यहाँ के आगे दुश्मन नहीं जा सकता, इसके आगे इस तरीके से है, यहाँ के आगे दुश्मन नहीं जा सकता। ये अंधेरी गेट है, ये फोर्ट का मैन एंट्रेंस गेट है, यहाँ पर सनलाइट बहुत कम रहती है। और भूल भुलैया ये कन्फ्यूजिंग गेट, उसी टाइम पे यहाँ पर चारों गेट ओपन थे। ये है 1 2 3 गेट, चारों गेट। और आप लोग 10 मिनट पहले एक डीप हाई के अंदर थे, थंभोर के अंदर, आप लोग आ चुके हैं सर थंभोर। यहाँ से डीप हाई है चारों, जितने जाओ हाई मिलेगी आपको। और इसी जगह पे दुश्मन कंफ्यूज करने के लिए एक सिंगल गेट, ये वो भूल भुलैया गेट है, कंफ्यूजिंग गेट। ये गेट अगर यहाँ पर बंद था, ये रहता है फोर्ट का मैन एंट्रेंस गेट। और दुश्मन ने 3 गेट पार कर लिया है, तो उसकी आधी आर्मी नीचे खत्म हो जाएगी, 90 डिग्री पे वसी आर्मी रणथंभौर में आती है लास्ट गेट तक। रणथंभौर के सोल्जर्स इस गेट को खोल देंगे, और ये गेट खोलने पर रणथंभौर का मैन एंट्रेंस गेट अंधेरी गेट बंद हो जाएगा, सोल्जर भी सेफ हो जाएंगे। दुश्मन के लिए दोनों गेट खुल जाएंगे, जो कि भूल भुलैया गेट, ये भूल भुलैया गेट है। और यहाँ पर कई सुरंगें बनाई हुई, टनल भी है, पहुंचना चाहता है डायरेक्ट डीप के अंदर ही है। धार्मिक स्थल है, दरगाह वगैरह, जैन टेम्पल है, गणेश जी का टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है, पब्लिक ग्रोथ ज्यादा आती है राजस्थान में, पब्लिक बहुत ज्यादा आती है, पब्लिक कल भी बहुत ज्यादा भीड़ थी यहाँ पर, गणेश जी लोग यहाँ पर 1-2 लाख पब्लिक इकट्ठी होती है। जयपुर सिंह चौहान थे यहाँ के राजा, उन्होंने रणथंभौर फोर्ट में 52 ईयर से रूल किया था, और उनकी याद में उनके बेटे हमीर देव चौहान ने बनाई थी। रणथंभौर फोर्ट का गुप्ती और महादेव जी चौहान लोग गुप्ती में पूजा करते थे, ताकि उनकी पूजा कोई कम ना करे। दूसरा है कि मैंने ये डबल जल धाराना है, इसमें ये बहुत ही कम मिलता देखने को, नहीं मिलता ही नहीं है देश में। मैं तो जो भी आता है वो ऐसे बोलता है कि आपने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। 4-5 फीट ऊंची जलेरी है, वो डबल जल धारा है, इसलिए कि जल है वो डबल नहीं होगी। एक पूजा करोगे आप डबल पूजा करोगे। ये राजकुमारी पद्मावती का स्विमिंग पूल है, पद्मावती लेक। ऐसे रणथंभौर नाम लिया गया है, वो यही है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। ये सर फॉरेस्ट है, ये रण भूमि है, बैटल फील्ड है, इस पहाड़ी को रण बोलते हैं। इसके नीचे है एक डीप खड़ी,
भाई भोर है कि रणथंभौर फोर्ट किसी दूसरी पहाड़ी से चले नहीं। हाँ, रणथंभौर फोर्ट में से कोई दुश्मन आता है या फोर्ट से कोई आदमी जाता है, दीप खाई के अंदर चला जाता है, भोर के अंदर तो वापस नहीं पाएगा, भोर हो जाएगा। इस खाई को भोर बोलते हैं। फोर्ट एक सिंगल पिलर के ऊपर, स्तंभ के ऊपर, ये है थंभ, यह है रण, थंभ और भोर। नीचे का जो खाई है खाई भोर, इसका ओल्ड नेम है गढ़ रणथंभौर। पहले इसको गढ़ रणथंभौर के नाम से नेशनल पार्क के वैसे फोर्ट नाम रणथंभौर कर दिया गया है। यही गढ़ रणथंभौर समुद्र की वैली है, वाइट स्टोन देख रहे हैं उसके ऊपर लगे हुए गोल चक्कर, वह चौहान डायनेस्टिक सिंबल। और इधर फोर्ट का पांचों गेट भी है, गोल गेट, जैसे राजा नेशनल पार्क में शिकार खेलने जाते हैं वो गेट है। यहाँ पर राजबाग लेक है, पदुन लेक है, मलिक लेक है, रणथंभौर नेशनल पार्क का टूर टूरिज्म का एरिया है। ये कौन सा लेक? ये पदम लेक, पदम लेक वो राजबाग लेक, राजबाग लेक है, मलिक लेक जो दिखा नहीं है, यदि से पानी खत्म हो चुका है, ये इतना पानी है रहेगा। अभी नेशनल पार्क के अंदर सबसे बड़े लेक यही है, पानी हमारी है, ज्यादा राष्ट्रीय जानवर ज्यादा साइटिंग है। फर्स्ट तो नौ लखा पोर्ट ऐसे एंट्री है, ये नौ लखा पोर्ट से गाँव की सभी गेट 90 डिग्री पे है। ये देखो नौ लखा हाथी पोल, ये कौन सा ये नीचे वाला हाथी पोल, हाथी पोल, हाथी पोल, ये वाला ये गणेश पोल, गणेश पोल अंधेरी गेट, अंधेरी।